अच्छा गर्ल्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, लेकिन लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कल कुछ पॉइंट्स रह गए थे डिस्कस करने के लिए, वो मैं डिस्कस करने लगी हूँ. ठीक है. कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, उस पर हमने पॉजिटिव चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी. फिर उसके बाद हमने नेगेटिव चार्जेस की देखी थी. फिर दो चार्जेस को मर्ज करके जो स्ट्रक्चर बनता है वो देखा था. ठीक है ना. अब इसके इसके अंदर जो दो पॉइंट्स हमारे रह गए हैं वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं. सबसे पहले तो ये है, अगर आप ये वाली पिक्चर देखें जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, इनमें से किसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करें, तो क्या आप मालूम कर सकते हैं? ये बहुत मुश्किल काम है. अगर खाली पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके आगे आप एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो वो जिस तरफ मूव करेगा वही उसकी फोर्स की डायरेक्शन होगी. लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ लाइंस कर्व्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां अगर आप कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे तो वो कर्व्ड पाथ में मूव करेगा, तो आप एग्जैक्टली उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते हो. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट आपने जैसे ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब भी कोई कर्व्ड सरफेस होती है जैसे स्फेयर, उसके किसी भी पॉइंट पर हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं जो उस सरफेस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, कट नहीं करती, सिर्फ टच करती है. नॉर्मल लाइन जो सरफेस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी उसको हम टेंजेंट कहते हैं. ठीक है. टेंजेंट का दूसरा नाम स्लोप भी है. तो टेंजेंट बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी कर्व्ड सरफेस के ऊपर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहती हूँ, ये आपको वन लिखा नजर आ रहा होगा, थोड़ा ब्लर है, मैं पिक्चर बड़ी करके दिखाती हूँ. ये देखिए, ये वन लिखा नजर आ रहा है. मैं इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखूंगी और देखूंगी कि उसकी डायरेक्शन क्या है. तो अब ऑब्वियसली वो तो कर्व पाथ में मूव करेगा, लेकिन इस खास पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. तो टेंजेंट मैंने आपको बताया कि कैसा होता है, कि नॉर्मल होता है एक पॉइंट सरफेस पर और उस सरफेस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है. तो हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे. अब ये एरो हेड बता रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये कर्व पाथ को इससे इस पॉइंट से आगे जितना कर्व पाथ है उसको इग्नोर कर दें, तो क्या डायरेक्शन होनी चाहिए चार्ज की? ऑब्वियसली वो इस तरफ होगी. तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने जो है वो ये बना दिया है. तो ये टेंजेंट आपको पॉइंट वन के ऊपर डायरेक्शन बताएगा फोर्स की. ठीक है. इसी तरह पॉइंट टू के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो ये हमने इस तरह ड्रॉ कर लिया. ठीक है. तो टेंजेंट बेसिकली किस लिए ड्रॉ किए जाते हैं? ताकि हम कर्व पाथ के ऊपर जो स्ट्रेट नहीं है पाथ उनके ऊपर किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड कर सकें. राइट. तो आपको अगर मैं कोई पिक्चर दे दूं और कहूं कि इस पॉइंट पर आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करें, तो आप क्या करेंगे? सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. राइट. नेक्स्ट जो है हमारा जो टॉपिक रह गया था इसमें, वो था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है. देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस. ये बात हमने डिस्कस कर ली थी कि पॉजिटिव चार्जेस से इमर्ज होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और नेगेटिव चार्जेस पर एंड होती हैं, यानी कि उसके अंदर एंटर होती हैं. नंबर टू, द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताया है. ठीक है. कि किसी भी पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी हो, तो आप क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. नंबर थ्री, द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द लाइंस आर फार्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक. तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हुए डॉट्स में पढ़ा था. हमने देखा था कि जहां पर डॉट्स बहुत ज्यादा हैं वहां पे क्या है, फोर्स ज्यादा लगेगी. जहां पे डॉट्स कम डेंस हैं, कम हैं डॉट्स, वहां पे फोर्स कम लगेगी. इसी तरह लाइंस का कॉन्सेप्ट है. जहां पे लाइंस ज्यादा हैं, क्लोजर हैं, एक दूसरे के करीब करीब हैं, वहां पर फील्ड स्ट्रांग होगी. और जहां लाइंस दूर दूर हैं, वहां पर फील्ड जो है वो क्या होगी,
वहां पर फील वीक होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और पिक्चर दिखा के बताती हूँ। ये पिक्चर देखिए, ये वाली नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस बनी हुई है। अच्छा, अगर मैं ये वाला रीजन ले लूं चार्ज के करीब, ये जो मैं माउस मूव कर रही हूँ इसको देखें, ये वाला रीजन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइंस कितनी क्लोज हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फील्ड का इफेक्ट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ये वाला रीजन ले लूं, ये जहाँ मैं माउस मूव कर रही हूँ वो देखें, ये तो इधर आप देख रहे हैं कि लाइंस कितनी दूर दूर हैं, तो यहाँ पे फोर्स जो है या फील्ड जो है वो क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस प्रॉपर्टी में डिस्कस किया हुआ है। ओके, नंबर फोर, नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, दिस इज बिकॉज ई हैज ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इफ द लाइंस क्रॉस, ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बात की गई है, इसको गौर से सुन लें। जब भी हम किसी पॉइंट पर डायरेक्शन लेने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो याद रखिए कि एक पॉइंट पर टेंजेंट सिर्फ एक ही होगा। मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरफ चार्ज जाएगा उस तरफ हम टेंजेंट की डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो ऑब्वियसली जब चार्ज एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो टेंजेंट भी एक ही होगा। ठीक है, अगर दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उधर टेंजेंट की एक से ज्यादा डायरेक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, एक से ज्यादा डायरेक्शन आ जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक वक्त में चार्ज एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो इस वजह से लाइंस के क्रॉस करने से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, कि हमारे पास ज्यादा पॉसिबल डायरेक्शंस आ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, विच इज फिजिकली इनकरेक्ट। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, अगर लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टेंजेंट जो है वो एक से ज्यादा ड्रॉ हो जाएंगे, यानी कि एक से ज्यादा पॉसिबल डायरेक्शंस हो जाएंगी, विच इज फिजिकली इनकरेक्ट। ठीक है, तो कभी आपने देखा है कि एक वेक्टर को आपने एक से ज्यादा डायरेक्शन असाइन की हो, एक वेक्टर को आप एक ही यूनिट वेक्टर असाइन करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये होता है कि एक वेक्टर की सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, या इलेक्ट्रिक आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह लें, उसकी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसकी एक ही डायरेक्शन होगी। इसी वजह से दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ये हमारा वाइंड अप हो गया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम एप्लीकेशंस की तरफ मूव करेंगे। कुछ एप्लीकेशन, सॉरी, दो एप्लीकेशंस हैं आपके कोर्स में, एक जीरोग्राफी और एक इंजेक्ट प्रिंटर। जीरोग्राफी हमने कल के लेक्चर में देख ली थी, अब आज के लेक्चर में जो है हम इंजेक्ट प्रिंटर देखेंगे। उसके लिए मैं एक वीडियो प्ले करूंगी। ठीक है, और वीडियो प्ले करने के बाद आपको फिर हम जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लेक्चर डिस्कस करें। जी गर्ल्स, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें जो है, कल हमने जीरोग्राफी पढ़ ली थी, आज हम जो है वो नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। Which is inkjet printer. Inkjet printer के अंदर ink fill की होती है, जिस portion के अंदर वो जो tank है उसे हम कहते हैं ink supply. इस ink supply से pump ink को pick करता है और provide कर देता है nozzle को. Nozzle का purpose ये है कि वो इस ink को droplets की form में spread करती है. ये droplets बहुत small होते हैं और page के हर portion के लिए spread किए जाते हैं. इनमें से कौन से ड्रॉपलेट्स पेज के ऊपर फॉल करेंगे और कौन से फॉल नहीं करेंगे, दैट वन इज डिसाइडेड बाय चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर जो है वो इनमें से कुछ ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर देता है और कुछ को अनचार्ज रहने देता है। जिन ड्रॉपलेट्स को वो अनचार्ज रहने देता है वो स्टेट इसमें से पास करते हैं और फॉल करते हैं पेपर के ऊपर और इमेज डिपॉजिट कर देते हैं, और जिन ड्रॉपलेट्स को वो चार्ज कर देता है वो उन पोर्शंस के लिए होते हैं जहां पे पेज के ऊपर इंक डिपॉजिट नहीं करनी होती। ये मैकेनिज्म जो है कि किन पार्टिकल्स को चार्ज करना है, किन को नहीं चार्ज करना, दैट वन इज कंट्रोल्ड बाय चार्ज कंट्रोलर। इस चार्ज कंट्रोलर को जो सिग्नल मिलता है दैट वन इज प्रोवाइडेड बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर के ऊपर जो पेज हमने देखा होता है, जिसे हमने प्रिंट की कमांड दी होती है, वहां से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से ट्रेवल करती हुई चार्ज कंट्रोलर के पास आती है।
और चार्ज कंट्रोलर जो है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किन पार्टिकल्स को चार्ज करना है और किन को अनचार्ज रहने देता है। अनचार्ज पार्टिकल्स तो पेज पे डिपॉजिट हो गए, चार्ज पार्टिकल्स जिन्हें चार्जिंग इलेक्ट्रोड ने चार्ज किया था वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से पास करते हैं और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इनका पाथ डाइवर्ट कर देती है टूवर्ड्स दी गटर। ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्टिंग में से प्लेट में से पास होते हुए गटर के पास आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये एक पेज है जिसके ऊपर सर्टन टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो इन पोर्शंस के जो पार्टिकल्स थे उन्हें चार्ज कर देगा, तो वो चार्जिंग चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेस में से पास करते हुए गटर में आ जाएंगे और जहां पे टेक्स्ट लिखा था उन पार्टिकल्स को अनचार्ज रहने देगा और वो स्ट्रेट पेपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। इस सारे मैकेनिज्म में इंक जेट की जो नोजल है वो सारे पेपर के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूव करती है और पेपर के ऊपर इमेज डिपॉजिट कर देती है। थैंक्स। अच्छा जी, इसमें आपने क्या सीखा है? इसमें आपने सीखा है कि एक इंक सप्लाई होती है, ठीक है, उसमें से इंक जो है वो पंप लेता है और उसको नोजल तक पहुंचाता है। नोजल क्या करेगा? इंक के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाएगा। ड्रॉपलेट्स हम कहते हैं, ड्रॉप्स के भी मजीद पार्ट्स कर दो तो वो ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसके, ठीक है। ये पास करेंगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या करेगा? चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो है वो हर ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज प्रोवाइड करेगा, अगर उसको कंप्यूटर कहेगा तो, और अगर कंप्यूटर कहेगा तो वो उसको एज इट इज रहने देगा, कोई चार्ज उस पर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, अब चार्ज पार्टिकल्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेंगे तो ऑब्वियसली उनका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाएगा, राइट। तो जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करती हैं, वो इसको इसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देती हैं और ये गटर में गिर जाते हैं, और जो अनचार्ज्ड होते हैं उनका पाथ स्ट्रेट रहता है और वो पेपर पर फॉल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी पेज हमने, जिसका भी प्रिंट लेना हो, उसके लिए कंप्यूटर कंप्यूटर अकॉर्डिंगली जो है वो कमांड देता है, ठीक है। तो ये जो है ये इंकजेट प्रिंटर था। यहाँ तक जो है हमारी एप्लीकेशंस ख़त्म हो गई हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब थोड़ा सा हम एक और टॉपिक आज डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद डिस्कशन टाइम। जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं वीडियो प्ले करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस रिव्यू देना चाहूंगा कि हमने पढ़ा क्या था। हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्जेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया था लाइंस की फॉर्म में, ताकि हम उसकी मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी और डायरेक्शन को क्या कर सके, विजुअलाइज कर सके। उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेजरमेंट जो है कि वो किसी सर्टन एरिया में से कितनी पास करती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। जी, क्या बताया है इस वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। फील्ड लाइंस पास करने का क्या मतलब है कि कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी या फिर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास कर रही होगी, ठीक है। लाइंस तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो किसी भी सर्फेस में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेंगी वो उस सर्फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। हम किसी बॉडी का प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सर्टेन एरिया प्लेस करते हैं, इस एरिया में से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। अगर मैं इस फ्लक्स इस एरिया को करीब प्लेस कर देता हूं तो फ्लक्स की वैल्यू इस वक्त 2 है, और अगर इसी एरिया को मैं बॉडी से दूर प्लेस कर देता हूं तो इसी एरिया में से फ्लक्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइ। जी, तो ये आपने देख लिया कि अगर तो आपने एरिया को नीचे रखा हुआ है जहां से दो लाइंस पास कर रही हैं तो फ्लक्स 2 होगा, अगर आप दूर ले जाते हैं जब इसमें से एक लाइन पास करिए तो फ्लक्स की अमाउंट 1 होगी,
ठीक है। तो इस तरह नंबर ऑफ लाइंस यानी कि कितनी लाइंस पास कर रही हैं वो उसका फ्लक्स कहलाएगा। अब आगे इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन आएगी, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह आएगी, वो देखते हैं हम। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं जो ग्रीक लेटर है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए सबस्क्रिप्ट में ई लिख देते हैं। इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है और फ्लक्स के यूनिट हैं न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड के आ गए, और एरिया जो है मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, तो हम इसे लिख लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हम एक अच्छा जी, अब इसमें मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको बताई गई है। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन में क्या है कि फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, एंड दिस एरिया इज वेक्टर। आपने डॉट प्रोडक्ट अच्छी तरह से पढ़ा है कि ये दो वेक्टर्स के बीच में प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, यानी कि इसका आंसर स्केलर आता है। इसका मतलब है कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे जो आंसर आएगा वो स्केलर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात ये कि अब आप सोच रहे होंगे कि एरिया तो एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे वेक्टर एरिया क्यों मेंशन किया हुआ है। तो वेक्टर एरिया बेसिकली जो है हम इसको कंपनसेट करने के लिए करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरे, प्लस इसकी एक और रीज़न है, वो रीज़न जो है वो हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ यूनिट भी डिस्कस किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, सो द यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पर कूलम। हम एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफरेंट केसेस को डिस्कस करते हैं कि किस कंडीशन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा और किस कंडीशन में मिनिमम होगा। नंबर वन, फर्स्ट केसेस, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंसिडर करते हैं जिनकी डायरेक्शन गिवन है। इसमें सर्टन एरिया एलिमेंट प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू एरिया, और एरिया क्या है, प्लेस किया गया है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस केस में फ्लक्स विल बी मैक्सिमम और ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। अगर हम जैसे प्रीवियसली रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमें इस एरिया का वेक्टर एरिया ड्रॉ करना पड़ेगा जो उस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमें यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया जो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल थीटा जो है वो जीरो होगा। अच्छा जी, अब एक और बात है, हमने प्रीवियसली फ्लक्स को लिखा वेक्टर एरिया, एरिया को हम वेक्टर एरिया कैसे बनाएंगे। एरिया तो सिंपल एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, पर इसको वेक्टर एरिया बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली वेक्टर और स्केलर में क्या फ़र्क होता है कि वेक्टर की डायरेक्शन होती है, यानी कि एक यूनिट वेक्टर होता है उसका। तो अगर हम एरिया की मैग्नीट्यूड को एक यूनिट वेक्टर असाइन कर दें तो वो वेक्टर एरिया बन जाएगा, राइट। तो अब वो यूनिट वेक्टर असाइन करने का क्या तरीका है हमारे पास, हम क्या करते हैं, एक यूनिट एरिया ऐसा ले, यूनिट वेक्टर ऐसा लेते हैं जो नॉर्मल हो और आउटवर्ड हो उस सरफेस के। याद रखिएगा, इट शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस एंड इट शुड बी आउटवर्ड। ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपका आपके एरिया को वेक्टर एरिया बना देंगी या फिर यूनिट वेक्टर कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, कैसा होगा यूनिट वेक्टर एरिया के लिए, नॉर्मल होगा और आउटवर्ड होगा, राइट। तो अगर हम ये वाली सिचुएशन देखें, जब एक सरफेस हमने रखी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में, तो जब हम इसका वेक्टर एरिया यूनिट वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे, यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये देखें, ये नॉर्मल है सरफेस के और आउटवर्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि ई और ए, ये ए, इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो है। व्हेन एंगल इज जीरो देन कॉस थीटा इज वन। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ई डॉट ए इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, जब कॉस थीटा वन हो जाएगा तो आपका आंसर जो है वो ई ए रह जाएगा, यानी कि फ्लक्स है मैक्सिमम। E dot A और इसे expand करेंगे तो आएगा E A cos of theta, और इस केस में theta की value क्या है, 0, और cos 0 जो है
वो 1 के इक्वल होता है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है E इंटू ए, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकेंड केस, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में एरिया जो है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेस करें तो फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि लाइंस या तो इस एरिया के ऊपर से गुजरेंगी या इस एरिया के नीचे से गुजरेंगी। हमने जो लाइंस काउंट डाउन करनी होती हैं वो उस एरिया के अंदर से जितनी लाइंस पास करती हैं वो नाउट डाउन करनी है। तो इस कंडीशन में फ्लक्स जो है वो क्या निकलेगा, जीरो। और इस कंडीशन को मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए पैरेलल। और अगर हम प्रीवियस वेक्टर एरिया की फॉर्म में लिखना चाहें तो एरिया जो है इस सरफेस का नॉर्मल है टू दी प्लेन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान जो है एंगल इस वक्त 90 डिग्री बन रहा है, तो कॉस 90 जो है वो जीरो होता है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, जो कि मिनिमम की कंडीशन है। अगर एरिया जो है सर्टेन एंगल थीटा पर प्लेस किया जाए, अच्छा जी, ये दूसरा केस है कि अगर आपने एरिया जो है वो पैरेलल रखा हुआ है, तो पैरेलल होगा तो अब आप इस पे जरा यूनिट वेक्टर ड्रॉ करें एरिया का, तो कैसे होगा, नॉर्मल एंड आउटवर्ड। तो ये देखें, ये आपने नॉर्मल और आउटवर्ड वेक्टर एरिया ड्रॉ किया। अब अगर आप इस यूनिट वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल देखें तो ये क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि ये दूसरे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब हम इस डेफिनेशन में ई ए कॉस थीटा में 90 लगाएंगे तो कॉस 90 जीरो, तो अल्टीमेटली जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट इज मिनिमम, राइट। तो इस एरिया का वो कंपोनेंट हम कंसिडर करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो। तो अगर इसको ड्रॉ किया जाए, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो बनता है वो ए कॉस ऑफ थीटा बनता है। तो यहां से हम फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो अच्छा, अब आपके पास कोई रैंडम सरफेस है किसी भी एंगल पर प्लेस की हुई है, ठीक है, 90 या जीरो का नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो जो एंगल है वो आपके फॉर्मूला के अंदर आ जाएगा, ई कॉस थीटा में उस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह आप जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कर लेंगे। जी, यहाँ तक जो है हमारा लेक्चर आज वाइंड अप हो गया है। आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया है, कल हम मजीद आगे चलेंगे। अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं।